फेस देखो रायता बना रहे। देखो कैसा रायता बना रहा हूँ। इसमें डाला है मैंने जीरा और काला नमक। इसी से मछली पकड़ते हैं। देख इसे कैसे पकड़ लेंगे? इसी से पकड़ते हैं, इसी को बांध के डालते हैं। इसी से पकड़ते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज मैं अपनी छत पे आया हूँ। ऊपर छत पे आया हूँ, देखो गांव का व्यू ऐसा लगता है हमारा गांव ऊपर से। तो वह जो भी चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी कल है 25 तारीख, तो उसके लिए ना हमें इस तरपाल को, जो हमारा तरपाल है ये, तो उसको ना हम सारे में लगा रहे हैं, यहाँ से लेके लगा रहे हैं, यहाँ से लेके लगाएंगे और वहाँ तक, क्योंकि सारे में पानी तो नहीं आएगा। बारिश का टाइम, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत चल रही है। तो अब इसमें सारे में तरपाल लग जाएगी, सारे में तरपाल लग जाएगी तो कल दिक्कत नहीं आएगी, पौछार नहीं आएंगी और हॉल में पानी बढ़ जाता है। पहले तो ये वहाँ तक बंध रही थी, वहाँ तक पल्ली साइड तक, है ना। तो अब हम इसको यहाँ पर बांध के पूरे घर को कवर कर लेगी। ये काफ़ी बड़ी है, ये फिर भी दुल्लर हो रही है। तो गाइस देखो, बारिश आने लग गई है। देखो हो गया। और ये सुनते नहीं थे, और मैंने फिर छोटली को लगाया। मैंने बोला बस तुम लग जाओ, थोड़ा सा तुम लग जाओगे ना तो ये अपने आप लग जाएंगे, मुझे पता था। देखो सुबह सुबह गोदी चाहिए, सुबह सुबह गोदी चाहिए इस लड़के को। हाँ ऐसे देखो, बिल्कुल ढलान बन रही है। ना, ऐसे रहने दे। अब तुम्हारा दोस्त यहाँ पर खेल लिया करेगा, है ना। छोटली ने काफी मदद की है, छोटली लग गया तो हो गया ये। मैंने आइडिया दिया छोटली, आप लोगों, आपको लगता है ये पीछे से अपने आप ही लग जाएंगे, मुझे पता था ये अपने आप ही। चल अच्छा है, लग गया भाई, कल दिक्कत नहीं आएगी। कल 25 तारीख है ना, तो सत्संग होगा हमारे यहाँ, तो सत्संग होगा। तो अब सत्संग के दिन ना यहाँ तक बैठते हैं, यहाँ तक आके बैठ जाते हैं, तो अंदर पानी नहीं जाएगा। अगर ये वहाँ तक ले लेते ना, वहाँ तक, तो यहाँ से वैसे छींट नहीं आती, पूरा कवर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो नाली है ना, यहाँ तो नाली है, तो नाली तक छींट आएंगी तो वह पानी चल निकल जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर कुछ नहीं था ऊपर, तो बारिश पड़ती थी तो वहाँ तक पानी पहुँच जाता था, अंदर तक, तो लोग काफ़ी परेशान होते थे। तो अब सारे में बिछा के, कपड़ा वपड़ा बिछा के, और तब आराम से बैठ जाओ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना काम वाम भी कर लो, क्योंकि देखो चाय वाय भी देनी होती है ना, और तो काफ़ी दिक्कत आती है उस टाइम पर, कुछ प्रसाद भी। तो अब आराम से दे लो, पर थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा तो लग रहा है, क्योंकि सारा कवर हो गया ना। फिर यानी देखो पूरे घर को ना वो बना रखा है, देखो मैं दिखाता हूँ भाई, इस मौसम में ना देखो, देखो पूरे पूरे घर को देखो क्या बना रखा है। कपड़े कपड़े चारों तरफ, बच्चों के कपड़े कपड़े कच्चे कच्चे लटक रहे हैं भाई, बच्चों ने सारे कपड़े बेकार कर लिए, और इस मौसम में सूख रहे हैं नहीं। तो इसने क्या किया, कल बारिश आ रही थी तो फिर भी धो के और अंदर डाल दिए, शायद सूख गए होंगे अभी। फिर बारिश आने लग गई, बता रही धूप में धोए थे फिर बारिश आने लग गई, तो इसने रात में सारे डाल दिए, पंखा चलता रहा है तो सारे सूख गए होंगे। सूख गए क्या? सूख गए सर, सारे सूख गए, बस इसे थोड़ी देर और सूख गए।
नहीं तो मैं तो ये कह रहा था बदबू हो जाएगी, मैं मना कर रहा था, इसमें बदबू हो जाएगी, इस टाइम में कपड़े धोने से बदबू हो जाती है कपड़ों में। कह रहे तुम लोग अपनी अपनी धो लो, मेरी तो मत धोना कोई भी, फिर भी मैंने इनकी बनियान धोई थी भाई। चलो अच्छी बात है, सारे सूख गए। और मैंने पता है गाइस इतना पानी, मतलब पानी निचोर के और जब डाला है फिर भी ये सूख गए। और ऐसे टाइम पे बच्चों के अंडरवियर की सबसे ज्यादा दिक्कत आते हैं, बच्चों की दिक्कत है आई ज्यादा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा कपड़े बेकार करते हैं। आप ये काम और करवा दो क्या अभी? तो भाई उस दिन बारिश आ रही थी ना, काफी जोर से बारिश आ रही थी, तो ये ना हमने वहां से जो बाहर तिरपाल लगाई है ना, कि तो वहां पे पानी आ रहा था, मैंने दिखाया था वीडियो में, तो वहां पे पानी आ रहा था, तो पानी मैं बोला ये कपड़े खराब हो जाएंगे, तो भाई उसको वहां से बकस को हटा के और यहाँ पे रख दिया, और भाई सबसे बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हमारा चूहों ने। तो वो एक पापा जी ने बड़े मन से एक चौथाई ली थी, तो सूती होती है, देखिए प्रिया, पापा जी ने बड़े शौक से देखो एकदम बक्सा थे, दिखाता हूँ ये दुल्लर होती है ना, और दुल्लर में अब ये दोनों परत काटती है इसकी, देखो ये काट दिया यहाँ से, और कहाँ से काटा भैया, दो दो जगह से काटा है शायद इसको, ओ बारिश आ गई भाई, अब तो नहीं पता, अब तो पता भी नहीं चला करेगा कि बारिश आ गई। मम्मी पापा कह रहे थे कि सत्संग में कल वो पल्ली भी लगेगी, पर वो सुन नहीं रहा इतने दिन से, मैंने छोटली को लगा के और करवा दिया। तो भाई इस टाइम पे अभी ना हमारे बच्चे गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी करना पड़ता है। अब देखो मैंने इन्वर्टर बंद कर दिया, और इन्वर्टर बंद करके अब ये पानी लगा रही है गर्म होने के लिए। छोड़ दे जी क्या। तो भाई बकस ना नीचे से गल नहीं जाए इसलिए लगा रही है, यहाँ पे लगा के दुकान से और दे दो पिट्ठू। बाहर आ गया। तो भाई बकस भी सेट हो गया हमारा इधर। तो गाइस मैं अभी नहा की और मैंने पूजा वूजा कर लिया, अब बनाएंगे रोटी, और ये बनाने लगे लस्सी, रायता बना लो, रायता देखो, और रायता बना रहे हैं, देखो कैसा रायता बना रहा हूँ। इसमें डाला है मैंने जीरा और काला नमक, बस इतना ही रखेंगे। तो गाइस हम इसमें नहीं डाल रहे मिर्च, क्योंकि ऑलरेडी मिर्च की चटनी है इसमें। तो घर में फिलहाल मैं और हमारी चीची नहा ली है, और चीची नहा के सो गई है। अरे इन्होंने तो नमक ज्यादा करवा दिया यार इसमें। कैसा है नमक डाल के खुश हो रही है बंदरिया जी? तो भाई फाइनली रोटी आ चुकी है हमारी जिज्ञा और दीपांश को, तो सुबह सुबह भूख लगती है काफी जोर से। मैं कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए रायता। हाँ यार 10 बज गए फिर भी, ये बच्चा आएगा प्रिया के लिए। भाई थोड़ा सा दूध देती है ना हमारी गाय, तो हम थोड़ा सा जमा भी लेते हैं उसी में से, और दूध पी भी लेते हैं। तो इसमें दोनों दीदी पीना है ना, थोड़ा थोड़ा पी लेना, ऐसा मत करना एक ही बार में दूध की तरह सारा खत्म कर दे। तो भाई ये ना जिज्ञा हमारी दूध की तरह सारा खत्म कर देती है एक ही बार में। तो आज हमने ना तिरपाल सारे में लगा दिया, भाई ये फड़फड़ बहुत ज्यादा कर रही है, आवाज कर रही है काफी ज्यादा। तो गाइस अब मैं भी बैठी हूं खाने के लिए, मेरे लिए इन लोगों ने थोड़ा सा छोड़ा था, मैंने इसमें पानी मिला लिया। मां बेटी का प्यार जुझ गया मोटा, जुझ गया। अरे बच कर, कैमरा गंदा हो जाएगा बेटा, बच भाई 2 दिन हो गए चटनी से रोटी खाते हुए, और क्यों हो गए? क्योंकि ये बारिश ने ना रूखी रोटी खिला रही है, एक तरह से चटनी से खानी पड़ रही है बारिश की वजह से। कल जब पेट लग रही थी, कल भी पेट लगी थी, परसों भी पेट लगी थी, दोनों दिन पेट लगी है, और दोनों दिन ही इतनी जोर से बारिश हुई है कि बस कहीं जा ही नहीं सके। तो भाई बारिश पड़ना हो गया शुरू, देखो काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, और हमारे बच्चे चाय के लिए हल्ला कर रहे हैं, ऐसे में चीनी भी ख़त्म हो गया। अब बारिश ही दिमाग ख़राब कर रही है, बंद ही नहीं होने का नाम ले रही बारिश।
कहाँ से बाजार जाया जाए इस तरह से वापस में। ये चाय बनाने लग गई देखो। मैं ना बोल रहा तुम से ही खोल दो। क्या गुस्सा होगी कोई? तो भाई चाय बन के आ गई भाई, ऐसे देखो बूंद आ रही है हल्की 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 हल्की, और ऐसे चाय भी बन के आ गई। तो गाइस कल सत्संग के लिए घास उखाड़ा जा रहा है, इतना तो हमारी अम्मा ने उखाड़ दिया है। देखो दुकान से भी लग रही है, और ये आलसी इंसान है बहुत बड़े, बहुत मेहनत से लेके आई उन्हें पकड़ के। भाग गया था कहीं इधर, कभी पल्ले घर छुप रहे हैं, कभी कहीं छुप रहे हैं, कभी कहीं छुप रहे हैं। अब देखो अभी मूरे लगा रहे हैं, कह रहे रहने दे, कह रहे रहने दे, अच्छा लग रहा है ऐसे। देखो मारो उठा के, तो गाइस कल सत्संग है तो ये कल के लिए सब काम छोड़ते हैं। ये बताओ सारा काम कल ही कर लेंगे? तो ये बताओ सारा काम कल होगा तो आज क्या होगा? वो तो रहा आज करोगे जब ही, तो कर नहीं रहा ये। देख रहे हो, और ये भगवान रुकने का नाम नहीं है। देखो सूरज निकल रहा है पर खेत में पानी भर रहे हैं, देखो पर भगवान अभी भी छमी छम है रो, छम 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 नाच दिखाने का। बेटा पापा आपके पापा ऐसे ही हैं, ऐसे हैं पापा, ऐसे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, काम से बचते हैं। मेरी बेटी फेस दिखा, दीपाली अपना फेस दिखाना बेटा। लग जाएगी कैसे उनका लग रहा है लड़की के काम करने के नाम। देवा मम्मी ये मुझे नहीं पता क्या है, बता दे। मुझे नहीं पता, मुझे कहने का मम्मी को। अच्छा तेरे को नहीं पता क्या? कह रही मुझे खाने का मन लग रहा है, इमली का पत्ता है। तो गाइस मुझे नहीं पता ये क्या है। दीपांशी कह रही है इमली का पत्ता है मम्मी, मुझे खाने का मन लग रहा है। अच्छा खासा हरा पार्क बन रहा था एकदम। घरों में कोई पार्क अच्छा लगता है? पार्क तो पार्क में अच्छा लगता है, अच्छा खासा हरा हरा एकदम जोरदार लग रहा है। गाइस ये क्या अच्छा लग रहा है पता है आपको? ये गांव है, बारिश आई है, नाली में से कोई भी सांप कीड़ा निकल के यहाँ मतलब छुप जाए, और आदमी यहाँ साइकिल खड़े करके जाते हैं, किसी के पैरों में खा ले। ये क्या है? ये आपको नहीं दिख रहा? ये हाँ ये गिडोरा है। कैसा गिडोरा? गिडोरे बोलते हैं, गिडोरे। क्या होता है ये? इससे ना मछली पकड़ते हैं। इसी से? हाँ। बच्चे यही बीन रहे थे? फ्लैश बंद कर ले इसकी, फ्लैश बंद कर। हो गया भाई दिखा नजदीक से। इसी से मछली पकड़ते हैं। इसे कैसे पकड़ लेंगे? इसी से पकड़ते हैं, इसी को बांध के डालते हैं, इसी से पकड़ते हैं। का पता नहीं रखा, कहते हैं कि दूर तो देखा, इनने हाथ से पकड़ लिया है। और इधर है तीन चार उसमें। तो भाई ये ना मछली पकड़ने के काम में आते हैं ये, और एक और भी निकल आएंगे यहाँ पर। दे ये रहा देखो, हाथों से पकड़ रहे हैं।
भाई प्रिया को ना घिन लग रही थी उनसे, गिड़ोरे से भगा दिया मैंने उन्हें। वो लड़का भगा दिया और कह रहा था दस कम से कम 10 मछली पकड़ जाएंगे इससे, थोड़े से लेके गया था, 2-3 लेके गया था बस, उसी से बोल रहा था 10 मछली पकड़ जाएंगे, आधी आधी लगाएंगे। वो है ना, दिखा दो वहाँ पे, वो देखो वो गंदा सा पोखरा है, गाँव का पोखरा है देखो, उसमें से पकड़ते हैं, गंदा पानी है इसमें, इसमें से मछली पकड़ेंगे। तो गाइस आप बताओ, इन नाली के बगल में पार्क किसने कही है बनाने के लिए? इन्होंने कही है बनाने के लिए। यार क्या अच्छा लग रहा है इन्हें, पता नहीं, देखना थोड़ा थोड़ा हल्की किसी घास, ये भी कोई बात है, तो बात देखना, पीछे मत गिर जाना, बात करेंगे। गाइस फाइनली मैंने ये भी साफ कर चुका हूँ इसको, और देखो मैंने क्या डिजाइन बनाई एकदम मस्त। इसको प्रिया कह रही है ये क्या कर रहे हो तुम, इसको भी काटो, मस्त नहीं लग रही है, एकदम जोरदार लग रही है। और इस साइड भी मैंने काट दिए, तो अब ये देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गई है क्योंकि पानी बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, तो इसको भर के डाल देंगे। तो अब वो कह रही है प्रिया के गोरी जाने की, अगर शाम हो गई बिल्कुल, एक घंटे में तो आ जाऊँगा, आपकी मर्जी है, जाना है तो चले जाने का नहीं, पर बच्चे भी। भाई फाइनली मैंने साइकिल निकाल ली है भाई, ये जब मेरे पे बाइक नहीं होती ना तब मेरी साइकिल काम आती है। देखो सारी को जंग खा गई भाई, मैं इससे बहुत कम गया हूँ, एक दो बार गया हूँ बस, गोरी सारी को जंग खा गई खड़े खड़े, पर मैं बेचता इसको इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई ये बुरे वक्त में भी काम आ जाती है। अब मैं जा रहा हूँ, देखो झोला लगा दिया। तो गाइस बच्चे रहे रो, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं दुबेश को दूध कैसे पिलाऊंगी क्योंकि चीनी नहीं है, और दूसरी बात खाने का मन कर रहा है यार, कई दिन हो गए, चट्टो हो रही है, चट्टो हो रही है, गिर जाएगी साइकिल, चलाई है तूने कभी? चलाई साइकिल? बैठी हूं, चल सिखाएंगे तेरे को साइकिल एक दिन, बैठ गई देखो बैठ गई। ऐसे कोई बैठता है क्या धक्का देने में ही तरफ? तो गाइस अभी आए गोरई से, और चीनी भी नहीं, सब सामान लेके आए, भीगे भी हो बारिश में। तो गैस मैंने रोटी भी बना लिया और चटनी भी छोंक दिया, और ये भी सामान लेके आ गए, मैंने पसीना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, हमेशा बाइक से ही गए ना इसलिए साइकिल से आज परेशान हो गए। इसमें तो प्याज और टमाटर, इसमें लेके आया हूँ। वाओ कितने लेके आए? और वो जो तुम मिर्ची बनाती है ना, वो कैसे बनाती हो, कैसे बनाती है, जो फाड़ के वो पता नहीं कैसे, तो वो वाली मिर्ची बनाने के लिए, और इसमें चीनी है यार, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। थोड़ा सा भी सामान लेके जाओ तो 100-200 रुपये का तो कुछ आता ही नहीं है। ये भी 200 से कम के सामान नहीं है, 10 रुपये बचे बस, 10 रुपये बचा के लेके आए। गाइस दीपांशु और जिज्ञा ने तो ख़त्म भी कर ली, जिज्ञा ने तो शायद नहीं खाई हाँ, तो अभी उसको थोड़ी सी दी है जिज्ञा को, क्योंकि मिर्ची लग जाएंगी इसलिए। दीपांशु कैसी आज पेटी बेटा? बढ़िया। बढ़िया है, यही रो रही थी बहुत भाई, इसकी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है पेटीज, और हमारे दुबेश को तो पराठे पसंद है, पराठे से पापा ही पसंद है। माय गॉड देखो भाई सुई कर दिया मैदान, 25 सुई थी उसमें। देखो वो चार्जर से अपने आप को चार्ज कर रहा है, पता नहीं गिरी है ना इसने। आज तेरे को कैसी लग रही पेटीज? सही लग रही है। गाइस फाइनली सभी ने खाना पीना खा के, और अब बच्चों ने तो दूध पी लिया, अब बच्चे दूध पी के अब सोने का, अब सोएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, और मिलते हैं तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में, ठीक है? तो गाइस सभी के लिए गुड नाइट।